चैनल बी ऑसम TLF और आज हम लोग आ चुके हैं सुखना लेक सेक्टर 1 और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज है संडे। ठंड बहुत ज़्यादा है बट मुझे समझ नहीं आ रहा भाई आधी दुनिया चंडीगढ़ के यहाँ क्यों क्या करने आई है इतनी सर्दी में, बिकॉज मैं तो वीडियो बनाने आई हूँ बट इट्स हैपनिंग एंड हिप स्पॉट ऑफ ट्राई सिटी दैट इज़ वाई। सो मेरे पीछे है वो कॉर्न मोमोज जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली वेज मोमोज है और इसकी ना मैंने बहुत सारे तारीफ सुनी थी अपने फ्रेंड से, तो मैंने कहा यार हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमें भी तो बी ऑसम का स्टैंप लगाना है ना। एंड तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग ट्राई करके बताने वाले हैं आपको कि क्या ये टेस्ट वर्दी है क्वालिटी और यू नो क्वांटिटी और प्राइजेस के हिसाब से सब कुछ इनका परफेक्ट है कि नहीं है। तो चलो ट्राई करते हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल्सो थैंक यू बटन पर क्लिक कर देना। नया नया शुरू हुआ है, थोड़ा सा हमें भी यू नो कभी कभार अच्छा लगता है जब हमें भी कोई थैंक यू बोलता है। एक छोटा सा बच्चा नीचे से निकल के चला गया, शुक्र है लंबा नहीं था ना तो कैमरे में आ जाता, दोबारा टेक देना पड़ता, बट दैट इज़ एन अनवांटेड इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गिवन टू यू बट इट्स फाइन। सो हम लोग ट्राई करते हैं, थैंक यू बटन पर क्लिक कर देना और बहुत ही जल्दी अगले एक महीने के नहीं दो महीने के अंडर अंडर एक बहुत ही अमेजिंग सा सरप्राइज हम आपको देने वाले हैं, तो उसके लिए भी वेट करो, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल। सो इनके पास तीन ऑप्शंस है, वन इज कॉर्न्स, देन वी हैव कॉर्न मोमोज एंड देन वी हैव नाचोस एंड सॉसेसेस, तो वो आप कोई भी ले सकते हो। सो हम लोगों ने बोला है इनको कि हमें आप मिक्स बना के दे दो, मतलब कि यू गिव अस फ्यू ऑफ द स्टीम्ड एंड फ्यू ऑफ द फ्राइड वन, तो ये हम लोगों को एक प्लेटर बना के देंगे एंड देन वी विल ट्राई इट आउट एंड टेल यू गाइस कि हमें वो कैसा लगा। सो चलो आओ लेते हैं। सो गाइस हमारे पास हमारे मोमोज आ चुके हैं जो कि हैं फ्रॉम दी वो कॉर्न मोमो एंड वेजी। इनके पास थे कॉर्न्स, इनके पास है मोमोज, इनके पास है नाचोज और वैरायटी ऑफ सॉसेसेस जो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास छः जो मोमोज हैं वो कॉस्ट करते हैं आपको 90 रुपये से लेके 120 रुपये तक, विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। सो अब बारी है हमारे टेस्ट टेस्ट की, सो लेट्स ट्राई इट आउट। ओह गर्म गर्म, ओह बहुत ज़्यादा गर्म है। सो गाइस हमारा वेज मोमो हमारे पास है, सो स्टफिंग आप देख सकते हो कॉर्न की स्टफिंग है, स्पिनच है इसमें है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बंद गोभी है, नूडल्स भी हैं। सो लेट्स ट्राई इट आउट। मुझे जो बेस्ट चीज़ लगी इसके ऊपर वो थी जो इन्होंने ऊपर चटनी वो डाली है ना, थोड़ा सा चाट मसाला टाइप, वो बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट देता है और जो इसके अंदर का मसाला है ना वो ऑलरेडी इन्होंने पहले कुक किया है और फिर डाला है, दैट इज़ अ गुड थिंग कि कच्चा मसाला नहीं डाला जो टक 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 करे। सो जो टेस्ट की बात है वेज मोमोज के हिसाब से आई रियली लाइक इट, ये स्टीम्ड वाले हैं। प्राइजिंग 5 out of 5, टेस्ट वेज मोमोज के हिसाब से मैंने जहाँ जहाँ खाए हैं 5 out of 5, देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी 5 out of 5। मैं वेज के हिसाब से आपको बता रही हूँ, नॉन वेज नहीं है इनके पास, वेज है। चाट मसाले ना जो ऊपर टेस्ट बर्ड्स को मेरे मज़ा दिलाया ना, ओह हो भाई अलग लेवल। अब हम लोग ट्राई करेंगे चीज़ वाले, नाउ वी हैव आर चीज़ मोमोज। ओह चीज़ मोमोज हैं और ये स्टीम वाले हैं, तो ट्राई करते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा यम्मी हो चुका है। मसाला सेम है दोनों में बट जो चीज़ और स्टीम करने के बाद ना अलग सा फ्लेवर आता है आपको, एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है, वो बहुत अमेजिंग है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बैलेंस है फ्लेवर्स का, मतलब कि ओवर द टॉप इसमें मसाले नहीं ऐड किए गए, मैरिनेशन बहुत अच्छी की गई और जो उसके बाद स्टीम करके जो चीज़ उसके ऊपर यू नो एकदम से मेल्ट होता है ना, दिस गिव द टेस्ट ऑफ 5 out of 5, आई रियली लाइक दैट। तो
मुझे दोनों में से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं स्टीम्ड मोमोज विथ चीज़, बट वेज मोमोज भी बहुत अच्छे हैं, बट मेरी प्रेफरेबली स्टीम्ड मोमोज। बहुत ही अमीर कॉस्टिंग इनकी काफ़ी रीजनेबल है, एंटायर थिंग विल कॉस्ट यू फ्रॉम 100 to 120 रुपीज़, विच इज़ रीजनेबल। 6 पीसेज हैं, पीस भी आप देख सकते हो बहुत बड़े हैं। मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक करके डाला गया, तो वो एक अलग चीज़ है। और आपको ना आराम से यहाँ बैठ के मोमो शाम के टाइम पे हाय हाय जन्नत जैसा टेस्ट आता है। सो फॉर वेज लवर्स, फॉर वेज मोमो लवर्स, दिस शुड बी योर प्लेस जहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मैंने ट्राई सिटी में कहीं काफ़ी ज़्यादा जगह पे ना वेज नॉन वेज ट्राई करें, बट मुझे इनके वेज मोमोज बहुत अच्छे लगे। और इसकी एक चीज़ थी क्योंकि मसाला इनका कुक करके फिर डाला गया, और ऊपर से जो स्टीम करके चीज़ मेल्ट होता है वो एक अलग स्वाद देता है। तो सुखना लेक सेक्टर 1, दिस शुड बी योर प्लेस। वो मोमोज।